ऐसा नहीं है कि परीक्षित ने कभी दान पुण्य नहीं किया था, ऐसा भी नहीं है कि परीक्षित ने कभी गऊएं दान नहीं की थी, ऐसा भी नहीं है कि कभी उसने ब्राह्मणों की सेवा नहीं की थी, ऐसा भी नहीं है कि पूरे जीवन में उसने कृष्ण का गुणगान नहीं किया था, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि उसने धर्म का कभी विपरीत कार्य किया हो, लेकिन किए हुए कर्म का फल यही भोगना पड़ेगा। कई बार ये मति में भ्रम ले आते हैं कि महाराज ये तो हम छोटा मोटा झूठ हमारा चलता है, हम पुण्य भी तो इतने कर रहे हैं तो वो कट जाएगा आपस में। ऐसा कभी नहीं होगा, परीक्षित सामने उदाहरण है। वो आपसे अपेक्षित है कि आप पुण्य करिए, उससे बहुत ऊंचा आप नारायण से ले चुके हैं, आप बुद्धि विवेक के साथ पैदा हुए हैं, आप नहीं जानते कि आपके पास क्या क्या अंग है, आप नहीं जानते किडनियों की वैल्यू क्या है, जिसकी किडनी फेल हो गई है उससे पूछो डेली डायलिसिस कैसे होता है। तो जो मुफ्त में मिला वो आप उसे मुफ्त समझ के बैठे हैं, नारायण तो पहले दे चुका है, अब आपकी बारी है। परीक्षित को जैसे ही मुकुट उतार के भान हुआ कि मैं अपराध हो गया है, तत्क्षण उसने सब त्याग दिया, एक क्षण नहीं लगा, सारे पुण्य जागृत हुए, तत्क्षण उसने वैभव त्यागा और गंगा के तट पे यहीं कहीं नैमिषारण्य में कोई कुंभ क्षेत्र में कहीं हरिद्वार के आसपास गंगा के पास जाके बैठ गया। कोई समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, वहीं झुरमुटों में से हरितिमा में से गुरुदेव प्रकट हो गए, सुखदेव मुनि निकल आए। परीक्षित को समझ में नहीं आया कैसे इनका स्वागत करूं, वहीं सूखी पत्तियों को समेट दिया, गुरुदेव को आसन दिया, प्रणाम किया। प्रणाम उसने सिर्फ हाथ नहीं जोड़ के किए, अश्रुओं से प्रणाम किया। अश्रु प्रेम की भाषा है। मुमुक्षु राजा जैसे ही मुक्ति की प्यास को लेके वहां पहुंचा, और अश्रुओं से जैसे ही निवेदन करने लगा, सुखदेव को समझते देर न लगी कि ये क्या चाहता है। आपके शब्द बहुत फीके हैं, बहुत छोटे हैं, और आंसू बहुत ज्यादा बड़ी व्यापकता के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उद्धव जब यशोदा के पास गए, जब गोपियों के पास गए, गऊओं को देखा, तो उस ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान गुड़ु मुड़ु होके ऐसे ही बह गया। आंसुओं ने उसे समझा दिया कि तेरे पास कुछ नहीं है, हमने क्या खोया है हम जानते हैं। ज्यादा देर नहीं लगी, ज्ञान तो उसे समझ में नहीं आया। तो परीक्षित की ऐसी दशा देख, जिन्होंने स्वामिनी का परिचय कराया, जिन्होंने हमें सुंदर लड़ैती सी स्वामिनी प्रदान करी, जिन्होंने भगवान कृष्ण का परिचय हमें कराया, वो गुरुदेव सामने खड़े हैं। जिन्होंने लड़ैती सी स्वामिनी हमें दी, दिए लाल से नेह सागर छवि ले। जिन्होंने लड़ैती सी स्वामिनी दिए लाल से सागर छवीले, जिन्होंने लड़ैती सी स्वामिनी हमें दी, दिए लाल से सागर छवी।
तक पहुँच के बसीले। जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हवेली, दिए लाल से नेह सागर छवीले। वहाँ रंग को नंदन की जय बोलते हैं।